Copa Sports a participant of Golden Jubilee Sports Fair and DREE Festival Committee. के लिए हम लोग का मैंने सीनियर सिटीजन ये इसको याद करके हम लोग को इनवाइट किया है, इसलिए हम उन्हें बहुत अच्छा लगा ये आज के प्रोग्राम को ये किकअप करने के लिए ये टेबल टेनिस और क्या चेस आमरेस बहुत सारा है इसको किकअप करने के लिए आज इन स्पेशली बच्चे के करने के लिए हम बहुत ये अच्छा लगा है। एंड आजकल हम लोग का यह समुदाय में हम लोग बहुत देखा है तो हम लोग का पता नहीं ये प्लेयर लोग बहुत इम्प्रूव हो रहा है। ड्री फेस्टिवल का जो हम लोग का पता नहीं का जो ड्री फेस्टिवल में ये गेम्स इन स्पोर्ट जो है वो एक अहम हिस्सा है, और ख़ास करके जो हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो ड्री फेस्टिवल कमिटी है वो पिछले साल से गेम्स एंड स्पोर्ट्स और बाकी और बहुत सारे ऐसे यू नो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जो कि जो यंग आदमी को ये स्पोर्ट्स में ये प्रोत्साहित करता है। और मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ, आज एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से यंग जनरेशन को एक एनकरेजमेंट देने के लिए वो हम दोनों ही क्लासमेट भी है, ये पुण्य तो अभी जो बोला है हम दोनों क्लासमेट भी है, एजमेट है, तो हम दोनों को बुलाया है, बहुत अच्छा लगा है। और मैं खुद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ टेबल टेनिस में, और एक ट्रॉफी जीतने का उम्मीद रखता हूँ। हाँ जी एक्चुअली मेरा वो ये स्पीच में भी मैंने बोला था, स्पोर्ट्स जो है ये एक अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। स्पोर्ट्स नॉट ओनली फॉर यू नो टू कीप योरसेल्फ फिज़िकली फिट बट आल्सो टू कीप योरसेल्फ सोशली फिट। जब हम स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं, और एक टीम के हिसाब से कैसा काम कर कैसा मतलब चलना चाहिए वो हम सीखते हैं। और क्या बोलूँ, मैं तो सोचता हूँ कि हर यंग आदमी को ये स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, ख़ास करके इंडोर एक्टिविटीज़। अभी देखिए हम लोग अभी सीनियर सिटीजन हो गया, इसके बावजूद भी फिज़िकली एक्टिव रहते हैं और थोड़ा सा वो टेबल टेनिस वगैरह में खेलने से फिट रहता है। तो मैं यंग जनरेशन को बोलता हूँ कि apart from you know studies and other things, you should involve yourself in your physical activity. It's very refreshing from mind and body, and it gives you you know new energy to you know it invigorates you for you know mentally and physically strength pane ke liye. हाँ ठीक है, एक किस्म के लिए हाँ नया जेनरेशन है, सेलिब्रेशन डिफरेंट है, लेकिन इस बार देखा है पुराना ज़माने में क्या था कि इनविटेशन के लिए घर घर जाना पड़ता था, आजकल नया जेनरेशन लोग ई ऑफिस में फेसबुक में सोशल मीडिया में इनविटेशन भी भेज देता, सब लोग को पता चल जाता है वो आ जाता है, तो फिर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल हेरिटेज जो एक्टिविटी है वो अभी नए जनरेशन भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है सोशल मीडिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ना, तो इस हिसाब से आई थिंक इट इज़ वेरी इनकरेजिंग। बड़े बड़े लोगों ने
नहीं वो तो ये बहुत इनकरेजिंग है कि उन्हें आपातानी लोग सिर्फ सेलिब्रेट करेगा तो आजकल का जमाने में ना वो मतलब नहीं भी कर सकता है बिकॉज नाउ वी लिव इन मिक्स ऑल सो इसीलिए आधा दिन इवन मैराथन में जो आपको बताया जो प्राइज विनर है जो टॉप प्राइज विनर है ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड द अरुणाचल फ्रॉम द आउटसाइड तो इस हिसाब से चेंज बहुत अच्छा है एंड वी वॉन्ट टू पास द मैसेज कि दिस इज ड्री फेस्टिवल आपातानी का इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है फेस्टिवल है एंड एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सब के लिए मतलब यू कीप योर सेल्फ फिट हेल्दी